दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप सेफ होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे और सही ढंग से रह रहे होंगे। बोर तो खैर हो ही रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जान है तो जान है कहा गया है। जैसा कि कोरोना का स्थिति देख ही रहे हैं कि भारत में इसके कदम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन का कुछ विशेष फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। 20,000 से ज़्यादा मरीज भारत में आ चुके हैं और लगभग देश का प्रत्येक राज्य अपनी संख्या में इजाफा लगातार करता जा रहा है, जिसमें कुछ राज्य महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये सारे कुछ राज्य हैं जिनमें कि कोरोना रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी कर रहा है और बहुत ही तेजी से दौड़ रहा है। पिछले दो वीडियो में मैंने बताया था कि कोरोना से बचाव के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, ये कैसे बढ़ रहा है, किस तरीका से खतरनाक है और सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मतलब है और किस हद तक हमें पालन करने पे मजबूर होना पड़ सकता है। ये चीज़ों की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की थी। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोरोना से बचाव के या इससे सुरक्षित रहने के संभावित तरीके क्या क्या हैं और ये कितने सार्थक हैं, कितने खतरनाक हैं, कितने आपके अनुकूल हैं, कितने प्रतिकूल हैं, उससे क्या नफ़े हैं, क्या नुकसान है, इन चीज़ों की चर्चा मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। कोरोना से बचाव के अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए अभी दुनिया के सामने जो भी रास्ते हैं, इनमें पहला रास्ता है लॉकडाउन का, वो भी संपूर्ण लॉकडाउन। ऐसा लॉकडाउन नहीं जो कि अभी भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्तर पर लॉकडाउन है, कहीं पूरी कड़ी के साथ है, कहीं कुछ ढील के साथ है और कहीं बहुत ज़्यादा ढील के साथ है। तो ऐसा नहीं, एकदम संपूर्ण लॉकडाउन जिसमें कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का मिलना लगभग असंभव हो, इस तरह का लॉकडाउन, यानी घर से बाहर किसी भी के भी कदम निकलने असंभव हो। ये लॉकडाउन लगा के प्रत्येक घर की सघन जांच हो, प्रत्येक सदस्य का टेस्ट किया जाए और जितने भी सदस्य इससे संक्रमित मिलते हैं उनको क्वारंटाइन करके उनका ट्रीटमेंट किया जाए और जब सारे टेस्ट हो जाएं, सभी मतलब पूरे देश में सारे संभावित मरीज तलाशे जा चुके, तब इसके लॉकडाउन को खोला जाए। लेकिन यह तरीका कितना कारगर होगा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि जो भी टेस्टिंग किट है वो पूर्णतः जांच करने में सफल नहीं है, जैसा कि रिपोर्ट भी आ रहा है। कहीं कहा जा रहा है किट नकली है तो कहीं किसी और तरह का रिपोर्ट आ रही है, और वैसे भी ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से ही जितने भी हम लोग बीमारियों के टेस्ट करवाते हैं, एक्सरे हो, ब्लड टेस्ट हो या जितनी भी तरह का टेस्ट है, हर टेस्ट में वो बीमारी का 100% आउटपुट यानी पहचान दे दे ये संभव नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ इरर रहता ही है, कुछ ना कुछ मार्जिन रहती ही है। अतः ये कहना कि लॉकडाउन करके हर मरीज की जांच टेस्ट किया जा सकता है और जितने भी संक्रमित हैं उन सभी को अलग किया जा सकता है, ये लगभग असंभव है। और इस स्थिति में अगर दो चार मरीज भी रह गए जो नहीं पकड़ में आए और उसके बाद लॉकडाउन खोला जाता है, तो फिर वो अचानक से संख्या बढ़ाने रहेगी और फिर से हम पुरानी स्थिति में ही आ जाएंगे। ये है हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि लॉकडाउन रखा जाए, कंटिन्यू रखा जाए और इसके बीच जो भी मरीज सामने आए उनको क्वारंटाइन करते जाया जाए, उनका ट्रीटमेंट किया जाए और उनके संपर्क में आने वालों को भी ट्रेस करके अलग किया जाए, और ये तब तक रखा जाए जब तक कि इस कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती है। लेकिन वैक्सीन उपलब्ध होने में भी अभी काफ़ी टाइम है। वो जैसा कि जिस तरीके की खबरें आ रही है, कुछ देशों ने वैक्सीन बनाए भी है और उसके ह्यूमन ट्रायल अभी शुरू करने हैं। ह्यूमन ट्रायल का मतलब है कि जो स्वस्थ मरीज है उनको उस वैक्सीन लगा कर ये देखना कि इसका क्या नुकसान है, को क्या साइड इफेक्ट है, इससे क्या असर करता है शरीर पे, और उसके बाद इस चीज़ की जांच करना कि ये वायरस से लड़ने में कितना सक्षम है। इन सारे चीज़ों को ह्यूमन
मानव पर चेक करना ह्यूमन ट्रायल कहलाता है। तो इसमें कम से कम 6 महीने समय लगते हैं, अलग अलग स्तर पे होता है। ऐसा भी नहीं है कि एक आदमी को आपने लगाया और उससे जो रिजल्ट आया उसी को आप परफेक्ट मान ले, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर आदमी का शरीर अलग अलग कंस्ट्रक्शन का होता है, उसकी रचना अलग अलग होती है, उसमें अलग अलग दवाओं का, अलग अलग तत्वों का रिएक्शन अलग अलग होता है। तो वो कई स्तरों में कई तरह के इंसानों पर करना पड़ता है। तो इसमें कम से कम 6 महीने तो लगने ही है, उसके बाद उसका प्रोडक्शन में टाइम लगेगा। तो ये काफ़ी लंबा टाइम है, और इतना लंबा टाइम में लॉकडाउन रहते हुए लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हर तरफ अराजकता फैल जाएगी, लोगों की खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, सरकार की क्षमता से बाहर है हर चीज़ को उपलब्ध करवाना। क्योंकि अगर ये मान भी ले कि मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार हैं, हर किसी का ख्याल रखेंगे, हर किसी के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध करवाएंगे, तो ये नहीं हो सकता कि मोदी जी हर घर में जाके उपलब्ध करवाएं। वो आदेश ही देंगे, वो उन चीज़ों को निर्गत ही करवाएंगे, और वो फिर से किसी न किसी बीच के आदमी के जरिए वो डिस्ट्रीब्यूट होने जाएंगे। तो देश में बेईमानी इतनी है कि जिस आदमी के हाथ में जो आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि नीचे वालों को बांट ही दे, इतना ईमानदारी नहीं है। वो चीज़ें गायब होगी, वो चीज़ें नीचे स्तर तक नहीं पहुंचेगी और अराजकता फैलेगी, बहुत लोग भूखों मरेंगे, बहुत प्यासे मरेंगे और बहुत लोग बीमारियों से भी मरेंगे। तो ये जो है प्रैक्टिकल नहीं है ज़्यादा लंबे समय तक लॉकडाउन करना, लेकिन उपाय भी नहीं है, लॉकडाउन तो झेलना ही पड़ेगा। यानी आप इन चीज़ों के लिए भी सावधान रहिए, तैयार रहिए कि आगे क्या परिस्थितियां उत्पन्न होगी। जैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी वैसे आपको अपना बचाव भी करना पड़ेगा और वैसे समाज की सहायता भी करनी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था तो आगे और गड़बड़ाएगी ही, क्योंकि जब रोजगार खत्म होंगे, लोगों की आय नहीं रहेगी, और ऐसी स्थिति में जब एक आदमी भूखा रहेगा और एक आदमी के पास खाना रहेगा, तो यहाँ पे बहुत सारे असंतुलन उत्पन्न होंगे, बहुत सारी परिस्थितियाँ पैदा होगी। वो किधर जाएगी, क्या जाएगी, इन चीज़ों को आकलन ही किया जा सकता है, बोलना भी सही नहीं है, भगवान न करे ऐसी परिस्थितियाँ आए। और कुछ गलत चीज़ें हों, इन दो तरीकों के अलावा एक तीसरा तरीका भी है, लेकिन वो तरीका बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जानलेवा, बहुत ही घातक है। इस तरीके में बहुत लोगों के जान जाने की भी संभावना है, संभावना क्या है, एकदम कंफर्म है कि इस तरीके में बहुत लोगों की जान जाएगी। यह तरीका जो है स्वीडन इस्तेमाल कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर शरीर में जो है ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडी होती है, जो किसी भी तरह के जो बाहरी जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, बाहरी विषाणु प्रवेश करते हैं, कीटाणु जो भी फॉरेन एलिमेंट है, उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी होती है। ये एंटीबॉडी उन चीज़ों को नष्ट करने की क्षमता रखती है, उनसे लड़ती है। अगर कमज़ोर पड़ती है तो हम बीमार पड़ते हैं, और मजबूत रहते हैं तो हमें कुछ नहीं होता है। तो ऐसा हो कि इस कोरोना वायरस के खिलाफ भी हमारे शरीर में अगर एंटीबॉडी बन जाए तो हम बहुत ही सुरक्षित तरीका से इस बीमारी से लड़ सकते हैं। लेकिन ये बनना बहुत ही लंबी प्रक्रिया लेता है, कोई भी अनुकूलन जो है शरीर में आना ये शॉर्ट टाइम चेंज नहीं होता है, इसके लिए काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है, काफ़ी समय लगता है, कुछ में सालों लगते हैं, कुछ में दशकों लगते हैं, कुछ में शतक लगते हैं। तो ये अचानक हो जाए ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसी पर स्वीडन देश कार्य कर रहा है। उसका कहन उसने अपने देश में ना तो लॉकडाउन किया है और ना ही किसी और तरह का कुछ विशेष गाइडलाइन जो फोर्सली मानना हो, इस तरीका का कुछ विशेष चीज़ नहीं लगाया है। उसका कहना है कि अगर ये बीमारी जो है बहुत सारे लोगों में फैलती है तो धीरे धीरे सभी नागरिकों के शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम पैदा होंगे, इसको हर्ड इम्यून सिस्टम बोलते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम पैदा होंगे और वो अपने आप इस बीमारी को नष्ट कर देंगे, इस वायरस को नष्ट कर देंगे। इसके लिए कहीं भी
नागरिकों में हर्ड इम्यूनिटी सिस्टम विकसित हो, इसके लिए वहाँ के जितनी जनसंख्या उसके करीब करीब 60% लोगों में वो बीमारी आनी चाहिए, तब जा कर के ये धीरे धीरे पैदा होने शुरू होते हैं। लेकिन इस दौरान जो है, जितने भी कमज़ोर लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, जिन्हें किसी तरीका का बीमारियां हैं, जैसे सांस से रिलेटेड किसी तरह का बीमारी है, उनके बचने की संभावना नहीं रहेगी, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। वैसे भी प्रकृति का नियम है कि जब वो छटनी करती है तो जो मजबूत लोग रहते हैं उनको केवल रहने देती है, और जो कमज़ोर रहते हैं उनको वो किनारे कर देती है। प्रकृति का बहुत पुराना नियम है। तो इसी नियम को स्वीडन मानते हुए हर्ड इम्यूनिटी सिस्टम अपने देशवासियों में विकसित करना चाह रही है, और इसके लिए उसने अपने देश में लॉकडाउन नहीं लगाया है। तो इसका रिजल्ट ये है कि आज वहाँ के बहुत सारे जो नागरिक हैं इस बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं, और मरने वालों की संख्या भी 1,000 पार कर चुकी है। लेकिन फिर भी वो मान रहे हैं कि ये सिस्टम, हर्ड इम्यूनिटी सिस्टम, उनके नागरिकों में विकसित हो ही जाएगी। अब देखिए आगे क्या होता है। तो आपको जो भी चीज़ बताई मैंने, यही तीनों तरीके अभी विश्व में इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। इसके अलावा अभी और किसी तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगर इसी से संबंधित और भी कोई जानकारी उपलब्ध होती है तो मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा। हमारे चैनल को देखते रहिए, और कोरोना जंग सीरीज के और भी आगे वाले वीडियो का भी एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।